चुनाव करीब आ गया, बीएम सिंह किसके साथ? किसानों के मसीहा सरदार बीएम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि लगातार आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, देखा जाए तो बरसों से आप किसानों की लड़ाई लड़ते चले आए, लेकिन अगर चुनाव के टाइम या कभी देखा जाए तो किसान आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो पाता है? क्या आप किसानों का भरोसा जीतने में असफल हैं? वो तो इनसे पूछो, मैं क्या कहूंगा। अभी मैंने वही चीज इनसे कही अभी कि जब 2 महीने बाद चुनाव आएगा तो किसान बन के वोट देना, जात बरादरी में वोट मत देना, तभी तुम्हारा फायदा होगा। अपनी तरफ से तो मेरी कोशिश यह है कि ऐसे कानून बनवा जाऊं अभी जब मैं नहीं रहूं तो 50 साल किसान खड़ा रहे। पर इसका जवाब जो आपने पूछा कि वैसे तो दिन भर प्यार करते हैं, वीएम सिंह करते हैं, जब चुनाव कभी लड़ लो तो धोखे पे धोखा देते हैं, बिल्कुल, तो वो ठीक है, अब जैसे हैं हमारे हैं, खत्म हुई बात। अच्छा, दूसरा सवाल किसानों के लिए, जो एमएसपी पर आप लगातार बात की, दूसरी तरफ देखा जा रहा है राकेश टिकैत, क्या आप राजनीति पर उतारू हो गए? वो सरकारी संगठन है जी, सबको मालूम है राकेश टिकैत, सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है जी। अभी आप देखिए ना, हमारे साथ, हम तो विधायक भी रह चुके, कोई सिक्योरिटी वाला दिखता है मेरे साथ? कोई नहीं दिखता ना, उनके हर नेता के साथ सिक्योरिटी मिली हुई है, कब मिलती है? या तो सरकार के साथ हो या मुखबर हो जी। और जहां तक सवाल उठता है एमएसपी का, एमएसपी का मुद्दा तो यही बीसलपुर है, यही पीलीभीत है। सन 2000 में यहां पर ऐसा जैम लगा था कि एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था, रामप्रकाश गुप्ता जी को, और राजनाथ सिंह आए थे, तब से ही तो चालू हुआ था खरीद का, धान खरीद का एमएसपी पर, फिर बंद कर दिया, फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, और यहां 20 साल खरीद कराई। इस साल 3 महीने पहले कोर्ट ने कह दिया भी हमने बहुत खरीद कर ली, अब नहीं करेंगे। अब देखो क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए एमएसपी तो देश को हम लोगों ने सिखाई, पीलीभीत ने सिखाई एमएसपी क्या होता है। और पहले इनने, ये जो नेता की बात कर रहे हैं आप, ये तो कल के नेता है, नेता कौन सा था इनमें से? ये तो नेता बनने की होड़ में लगे हैं, इन्होंने किसी के घर में 2 पैसे का फायदा किया तो बता दो अपने फायदे के अलावा। अब आज केवल इतना है कि आज एमएसपी की बात करने वाले अगर जो हो गए हैं, जब हमने शुरू में कहा था कि एमएसपी हमें मिल जाएगी, तीनों कानून खत्म हो जाएंगे, और तीन ये कानून गन्ने के तो है ही नहीं, दोनों चीज कहीं थी उस समय, उन्होंने कहा वीएम सिंह एमएसपी की बात कर रहा है, वीएम सिंह को हम हटा रहे हैं। ठीक है, वो ट्यूबलाइट होती है ना, धीरे धीरे चलती है, वैसे ट्यूबलाइट के नेता है सारे। अब उनकी समझ में आ गई जो वीएम सिंह बात कर रहा था, सही है, अब सब एमएसपी कर रहे हैं, पर एमएसपी कैसे मिलेगी ये मालूम नहीं, कमेटी में आने की होड़ लगी हुई है, कमेटी में ले लो, ना कानून मालूम है ना कानून बनाना मालूम है। तो ये सब चीजें ठीक है, जितना हमसे होता हम कर रहे हैं, बाकी जो नहीं हो रहा वो कर रहे हैं, बड़ा सब अच्छा कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने आपका एक वीडियो देखा था, आपने कहा हमारे पास ऊपर 21-22 मुकदमे लिखे गए, अब 11-12 बचे हैं, तो और किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, हमेशा लड़ता रहूंगा, तो उसमें मैंने एक आपके अंदर दर्द देखा था, वो दर्द कैसा था? आज भी मैं पीलीभीत तो सुबह आया था, 3 मुकदमे आज भी लगे थे, भुगताने आया था, अपनी पेशी भुगताने आया था, उसी में लेट हो गया, तो अब पूरा लेट चल रहे हैं। दर्द नहीं है, केवल लोगों को बताना है कि अगर कोई किसी के लिए करता है तो ऐसे लेने होता है। अब जैसे लोग बैठे, हमारे केस वापस कर लो, हमने तो किसी पे केस लगने नहीं दिया कभी, किसी को लाठी खाने कभी, हाँ नहीं, आप तो अलग बात है, अब उसमें डंडा किसी को हमने लगने नहीं दिया। और जब हम जेल गए, बार बार जेल गए, लोगों ने कहा हम भी आएंगे, हजारों आएंगे, हमने कोई नहीं आएगा, अकेले गए, अकेले निकले। तो कोशिश ये है कि समाज को सुधारने की कोशिश है, समाज को सामने रख के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं है, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं है, नेता बनने की कोशिश नहीं है, समाज को खड़ा करना है। और वही आपके अंत में पहले इनसे कहा कि भाई इलेक्शन आएगा, सोच समझ के वोट देना, जात बरादरी में मत बच जाना, केवल किसान बन के उस समय वोट दो, देखो तुम्हारे लिए कौन बढ़िया काम कर सकता है, सोचो। चुनाव करीब आ गया, बीएम सिंह किसके साथ? सोचना पड़ेगा भाई, हमारे लिए तो एक साइड कुआ है और एक साइड खाई है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव ने 2000 करोड़ हमारा ब्याज माफ कर दिया था, जो हमने कोर्ट जाकर उनके मंत्रिमंडल फैसले को खारिज कराया, और उनने योगी जी को कहा, इन्होंने भी 4.5 साल निकाल दिए। अब मानना हमने कर दी सरकार के खिलाफ,
उस पे अब कोर्ट ने कहा है कि तुम या तो उनके उनके अधिकारियों का है, बड़े उच्च अधिकारियों का है, मुख्य सचिव के लेवल के केन कमिश्नर को, कि या तो तुम इनका पेमेंट करा दो 18 तारीख तक का जी। या जेल जाओ। जेल मतलब चार्जेस स्वयं होंगे, उसका अंत तो जेल ही होता है जी। तो अब कोशिश ये है, हमें तो देखना है कि अब दो लोग अगर लड़ रहे हैं, गन्ना जिन्ना की बात कर रहे हैं, जो गन्ना की बात करता है उसे गन्ने के दर्द नहीं मालूम, किसानों का दर्द क्या होता गन्ने का, जो जिन्ना की बात कर रहा है उसे जिन्ना के बारे नहीं मालूम कि जिन्ना ने कभी गन्ना लगाया या जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना कब मरा कब पैदा हुआ वो नहीं मालूम। तो आज केवल राजनीति हो रही है, गन्ना किसान करीब 4 करोड़ वोट है और मुसलमान वोट 4 करोड़ के आसपास है, दोनों बहुत भारी है, इसलिए गन्ना गन्ना उसमें गन्ना जिन्ना हो रहा है, वरना इनको ना गन्ने से मतलब ना जिन्ने से मतलब। हमारा है कि किसानों को है कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो, जब तक खुद सामने नहीं आओगे तब तक कोई कुछ नहीं देगा तुम्हें। तो ये था हमारे साथ सरदार बीएम सिंह, जिन्होंने किसानों के मुद्दों पर बात की। किसानों के साथ होता है लेकिन किसान उसके साथ कभी खड़े नहीं होते। सरदार बीएम सिंह लगातार किसानों के साथ खड़े हैं और बरसों से किसानों के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन कभी किसानों ने सरदार बीएम सिंह का साथ नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसके साथ नहीं पहुंच पाता है जो उनका भला करता है। हालांकि हिंदू मुस्लिम तमाम राजनीतिक मतों पर किसान वोट करता है, जिस दिन किसान अपने मुद्दों पर वोट करने लगा उस दिन किसान रात रात भर मंडियों के गेट पर नहीं खड़ा होगा, उस दिन किसान इन लाइनों में नहीं लगेगा, उस दिन किसान को समस्या नहीं होगी, इस बात का हम दावा करते हैं। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा। पीलीभीत की आन मान शान बांसुरी है पहचान। पीलीभीत में होगा भव्य बांसुरी महोत्सव 17 से 19 दिसंबर तक, आप सभी सादर आमंत्रित। स्थान राजकीय ड्रमंड इंटर कॉलेज पीलीभीत।